सुलझा के बहुत क्यूट कपल जा रहा है आगे। अरे वाह, पिछली बार किया था ना मैंने ऐसे, तो मुझे वो सही लग रहा। हाँ, बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे दिवाली प्रिपरेशन, विच मीन्स हम अपना घर सजाएंगे। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स मैं ये खुद कर रही हूँ। वैसे काम मुझे पहले भी पसंद था, तो 2 ईयर्स क्योंकि इससे पहले पापा करते थे, और अगर वो होते अभी तो एक तो पहले से ये लड़ियाँ वड़ियाँ सब लगी होती, तो अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। तो और मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, तो आज हम डेकोरेशन करेंगे। सो मैंने अपनी लाइटें निकाल के रखी हैं यहाँ पे, ये मैंने पिछले साल खरीदी थी, और ये इनका तामझाम, इसमें पुराने वाली है पापा वाली। तो साल के इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे आई मिस हिम अ लॉट, क्योंकि ये उनका फेवरेट फेस्टिवल है। था नहीं बोलूँगी है, क्योंकि अभी मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है, और जैसे ही दिवाली का टाइम आने लगता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ 1-1.5 महीने से पहले से ये होता है कि अब डेकोरेशन करनी है, क्योंकि पापा को इस चीज़ का बहुत शौक था, तो ये 1 हफ्ते पहले पापा सब कुछ डेकोरेट करके रख देते थे। और जब लास्ट टाइम वो अनवेल थे, तो तब भी खुद से चढ़ के यहाँ पे लाइटें लगा रहे थे, तो वो बहुत ही एक बहुत ही प्यारी चीज़ थी देखने के लिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो आई मिस हिम एवरी सेकेंड, और अब मुझे नहीं पता ये व्लॉग को ज़्यादा इमोशनल होने वाला है शायद। इमोशन को साइड करके लेट्स स्टार्ट द डेकोरेशन। तो भैया अभी ये लगेंगे छत पे, मेरे को एक प्रॉपर डेकोरेशन चाहिए होती है, और ये मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन अगर मुझसे तारे वारे नहीं लगती तो मैं एक भैया को कॉन्टैक्ट कर देती, तो वो आके थोड़ी हेल्प कर देते। गाइस तारे तो बहुत सारी हैं, बट समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या लगाएं और कैसे कैसे, देखते हैं अब छत में जाके। तो गाइस आई एम लाइव फ्रॉम माई घर की छत, एंड स्टिल फिगरिंग आउट कि इन तारों को मैं क्या करूँ। और मुझे यहाँ ऑलरेडी तार दिख रही है कनेक्शन के लिए, तो शायद हो जाए सही सही, बट मुझे लग रहा है कि हमें एक भैया की नीड है, क्या पता मुझे उन्हें बुलाना पड़े, बट जितना मेरे से हो पाएगा अभी मैं उतना कर रही हूँ, ताकि उनके लिए भी काम कम हो जाए। और हमारी जो लड़ियाँ हैं वो परफेक्टली फोल्ड हो रही थी। सी विल सी कि कैसे काम होगा। चलो ढाई मिनट एक लड़ी को उलझाने सुलझाने में लग रहा है, तो 15-20 हैं। बेस्ट ऑफ लक टू मी। फ्रेंड्स इतनी बाकी हैं और अभी 3 ही खुली हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी टाइम ठीक 12 बज रहे हैं, आपको मैं अपडेट देती हूँ कि इसको सुलझाने लगाने में कितना टाइम लगा। वेट। तो गाइस लड़ियाँ सुलझा के बहुत क्यूट कपल जा रहा है आगे। मैंने सोचा चलो दिखाती हूँ, फिर मुझे याद आया कि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। तो लड़िया हो गई हैं ये तैयार, बस इनको कनेक्ट करना है। देखो ऑलमोस्ट सब लगा दिया मैंने, लहर रही होंगी नीचे। अब मैं इनका डिज़ाइन बदलने वाली हूँ, ऐसे लटकेंगी नहीं, मैं सीधा आगे को करूँगी। मैं आई विल शो यू ये सब करके, आई विल सी यू अगेन। चलो फ्रेंड्स तारों में तारे जोड़नी हैं, बहुत सारी हैं, थोड़ा पिछले साल का सब निकाल नकूल के टाइम तो बहुत लगेगा इसमें, और वो देखो क्या कर रहे हैं। चलो तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये बिजली वाला काम नहीं देख रही, मुझे थोड़ा रिस्की सा लग रहा है, डर भी। वेट फॉर भैया। नहीं नहीं अब ऐसे रहने दो,
वो पिछली बार किया था ना मैंने, वैसे तो मुझे वो सही लग रहा है। जुड़ जाएगी क्या? भैया लोग पूरी मेहनत के साथ ताम झाम करते हुए सजावट फ्रेंड्स डेकोरेशन हो गई। वैसे तो मुझे जो डिज़ाइन चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं भैया लोगों को गाइड नहीं कर पाई क्योंकि मैं थी नहीं उस टाइम पे, तो उन्होंने अपने हिसाब से लगा दिया। बट ये भी ठीक है। वेट, ये ऐसा सा करके लगाया है, मतलब यू एंड देन दिस एंड दिस, इट्स ऑल्सो नाइस। जला के दिखाती हूँ उजाले में भी जला के दिखेंगे, ठीक ठाक सही सी। अच्छा ये जो ऐसा ग्लिच सा आ रहा है ना लाइटों में, ये सिर्फ कैमरे में, बाकी तो ये सही है। और ये येलो वाली कम पड़ गई थी, लास्ट में दो वाइट हैं, इनको मैं हटाऊं शायद अभी। मैंने यहाँ पे तार काटने वगैरह के लिए टूल्स पहले से ही रखे हुए थे, तो इनसे काफ़ी हेल्प हो गई है उनकी। वो टेप जो इतना दूर गिरा हुआ है लावारिस, देखो मैं बस, मुझे इसी का डर था ये कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को करंट लग चुका था और मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा गंदगी नहीं हुई, तारों की कटफट बहुत होती है, पिछली बार में बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, अभी इट्स फाइन। सनसेट होने वाला है, बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत सुंदर। इनकेस अगर आप ऑर्डर कर रहे हो कि टंगियों के ऊपर ये टायर क्यों लगे हैं, तो ये बंदरों के लिए है। ये वीडियो मैं डेडिकेट करूँगी अपने पापा को, कज वाई नॉट, इट्स दिवाली उनकी आज मुझे बहुत याद आ रही है। आज क्या, हर दिवाली दो दिवाली चलेगी उनके बिना, बट कोई बात नहीं। बाकी जब दिवाली का जो दिन होगा मैं उस दिन आपको दिखाऊंगी कि ये रात को कैसी लग रही है, कभी नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने अपना माइंड बदल लिया है, जैसे अंधेरा होगा मैं आपको सारी डेकोरेशन दिखा दूंगी अंधेरे में कैसी लग रही है ऐसे होता है यार, ये मूड स्विंग्स मेरे ऐसे ही रहते हैं, मतलब कभी मुझे समझ खुद को समझ में नहीं आता, बट ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जैसे ही सनसेट पूरा हो जाएगा, हम नीचे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसा डेकोरेट हुआ है। बाकी जब हमने ये लगाई थी तो भैया लोग शायद लाइट नहीं थी उस टाइम, तो ये जली नहीं, तो वो लोग चले गए थे, तो अब वो शाम को फिर आएंगे, तो चलो वेट करते हैं तब तक। समय आ गया है गाइस, अंधेरा हो गया, बस एक चीज़ की दिक्कत है, मैं आपको दिखाती हूँ पहले। ये देखिए येलो वाली दो ख़राब हो चुकी हैं, तो हमने वाइट लगाई थी जिस वजह एक अब जल नहीं रही, बट स्टिल। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, और ये जो एक लड़ी बची है इसको वो कल आके ठीक कर जाएंगे भैया लोग। तो आई विल सी यू इन द अनदर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सी यू, बाय बाय।